नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। रामचरितमानस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के लीडर हो या फिर मायावती या फिर सपा के लीडर, सब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बता दें कि रामचरितमानस में एक श्लोक है जिसमें महिला, दलित और शूद्रों को लेकर कुछ बातें हैं और इसकी फोटो कॉपी कर जलाई जा रही है। और जब से ये घटना सामने आई है तब से 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि ये पूरा मामला लखनऊ का है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतिमा जलाने के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इस मामले में सभी आरोपी ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता हैं। बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति के सदस्य नवी ने इस मामले को लेकर थाना रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके माने तो उनके अनुसार रामचरितमानस की प्रतिमा जलाने के बाद उसके आसपास के लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं खुद मौके पर गया था और लोगों को रामचरितमानस की प्रतिमा जलाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर ऐसा कर रहे थे। बता दें कि बीजेपी इस मामले में अखिलेश यादव से जवाब मांग रही है और जब से ये बहस शुरू हुई है तब से बीजेपी और दूसरे दल के नेता के बीच में अनबन शुरू हो गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग दलित को शूद्र मानते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं, ना मैं उसके खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा कि एक बार वो चौपाई पढ़कर मुझे सुना दीजिए, मैं शूद्र हूँ कि नहीं ये बात मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि कल मैं मंदिर गया था, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गुंडागर्दी नहीं की। अखिलेश ने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते और वो धार्मिक स्थान से नहीं आए होते तो ये सवाल शायद